लोकसभा चुनाव करीब हैं, ऐसे में विपक्ष ने चुनावी संग्राम की अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के निशाने पर इस समय प्रदेश सरकार है। किसानों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को साधने की कोशिश करने जा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किसानों के लिए कई वादे किए थे, उन्हें सरकार को पूरा करना चाहिए। साथ ही जीतू पटवारी ने सरकार के बार बार कर्ज लेने पर भी तंज कसा। जब 2023 के चुनाव चल रहे थे तो किसानों से की मांग थी 3000 रुपया कुंटल की गेहूं की, 2700 रुपये बीजेपी की सरकार ने हाँ की थी, जो आज बनी है बीजेपी के घोषणा पत्र में, आज तक एक शब्द नहीं कहा इसको लेकर। धान की कीमत 3100, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ और किसानों के साथ आंदोलन करें। अभी इस हफ्ते हम सारे ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक अध्यक्षों के साथ किसानों के परिवारों को साथ लेकर हर ब्लॉक पर प्रदर्शन करेंगे।